है ना, आज हम बाल बढ़ाने के लिए और बाल में ग्रोथ होने के लिए, काले होने के लिए जबरदस्त हेयर ऑयल बना रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ हमें किस सामग्री चाहिए और वो किस तरह से बनते हैं और कैसे बना रहे हैं, तो इसलिए और सामग्री कौन सी है वो अभी हम देख लेते हैं और फिर बाद में हम शुरुआत करते हैं। अभी जो हम हेयर ऑयल बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं गुड़हल का, उसे हिबिस्कस भी कहते हैं। तो इसका जो ऑयल होता है वो ज़बरदस्त पड़ता है और वो बेनिफिट भी है। तो जो हमने गुड़हल लिया है तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब पोषक तत्व होते हैं। उससे क्या बाल बढ़ने में मदद होती है, और वापस इसमें विटामिन सी होता है। तो उससे क्या होता है, जो बाल अगर पतले भी हो गए ना तो वो घने हो जाते हैं। और इसमें एंटी फंगल जो नाम के जो रासायनिक होता है तो उसमें खुजली और रूसी जो होती है तो उसको निकालने के लिए मदद रूप होता है। तो इस तरह से इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ होता है। तो मैंने ये जो गुड़हल के फूल लिए ना, तो वो ये 60 नंग के हिसाब से आप देखें तो ये 60 है। और इसके साथ मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, ये सबसे बढ़िया है। और ये मैंने लिया है 500 ग्राम प्लस, इसके साथ लिया है मैंने ये मीठा कड़ी पत्ता जो हम कड़ी में यूज़ करते हैं ना, तो इसी से भी तेल बहुत बढ़िया सा बनता है। कड़ी पत्ता में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी टू, कैल्शियम, आयरन, इस तरह से होता है। इससे क्या होता है कि बालों में लॉन्ग करने के लिए और गहरे करने के लिए ये मदद रूप होता है। और हेयर डैमेज हो गया या हेयर का ग्रोथ नहीं होगा तो इससे भी ये होता है। इसी वजह से हमने ये दो चीज़ ली है और साथ में इन्हें कोकोनट ऑयल लिया है। तो अभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लोहे की आयरन कढ़ाई ली है, इसी पे मैं बनाती हूँ। तो इसमें हम पहले ऑयल डाल देते हैं, 500 ग्राम जितना है उतना। अभी ऑयल मैंने डाल दिया है तो इसमें हम जो ये गुड़हल के फूल हैं वो सब डाल देंगे। चाहे तो आप इसका पेस्ट भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे ही डालती हूँ कि उसका पूरा हमें अच्छी तरह से यूज़ कर सके। इसी वजह से, क्योंकि ये पकने के बाद छोटे छोटे ही हो जाएंगे, तो इसे पूरा इस तरह से मैं डाल रही हूँ। साथ में जो कड़ी पत्ता है वो भी मैं डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता भी मैंने भरपूर लिया है तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और जो आँच है वो एकदम स्लो रखी है, हमें इसे धीमे आँच पे ही पकाना है, ना कि वो बड़ा आँच करके करना है तो वो क्या होगा, जल जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है। अभी इस तरह से मैंने रख दिया है, तो जैसे ही ये थोड़ा गर्म होता है तो ये सब नीचे आ जाएगा। तो अभी इसे धीरे स्लो आँच पे होने देते हैं। अब ये थोड़ा नीचे बैठ गया है, ये दो तीन फूल नीचे गिर गए थे तो ये मैंने ऊपर रख दिए हैं। तो इसे हम चला लेते हैं, इस तरह से थोड़ा आगे पीछे कर देंगे। पहले मैंने डाला था तो आपने देखा था कितना सारा पूरा कढ़ाई भर के था। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा नीचे बैठ गया है। तो इस तरह से हमें इसे पकाना है, और इसका फ़ायदा भी उतना ही आपके बालों के लिए होगा। अगर सफ़ेद बाल है तो वो भी काला होना स्टार्ट हो गया हो जाएगा। इसे आप बीच में दो बार लगाइए, नहीं तो एक बार तो भी आप लगाइए तो भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बढ़िया सी ये रेमेडी है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने पूरा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है और बिल्कुल स्लो आँच पे हम इसे बनाएंगे। आप देख सकते हो जो अगर नीचे था वो पक गया है, तो किस तरह से इसका कलर हो गया है। तो इस तरह से ही हमें करना है, और जो कड़ी पत्ता है उसे भी हमें अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है, अभी इसे हम होने देते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे ताकि ये दोनों अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से साइड में जो भी है वो भी निकाल के हम अंदर डाल देंगे, और ये हम स्लो आंच पे बना रहे हैं। अभी वापस इसे होने देते हैं। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। इस तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। अभी तक इसे हमें पकाना है, क्योंकि जो कड़ी पत्ता है वो अभी तक हमारा पका नहीं है। तो इसे और हम पकाएंगे बिल्कुल स्लो आँच पे। देर लगेगी पर हमारा जो ऑयल है
वो बढ़िया सा बनेगा। अभी ये 5 मिनट के बाद उबलना स्टार्ट हो गया है तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। कलर भी चेंज हो रहा है इस तरह से। अभी कड़ी पत्ता का भी कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप कैसे चेंज हो रहा है। जमीन से कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छी तरह से पक रहा है। लगभग मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं करते हुए और इसे हम थोड़ा पकाएंगे। मिर्च जो होगा वो परफेक्ट हमारा ऑयल तैयार होने के लिए रेडी हो जाएगा। सिर्फ इसे चलाना है अच्छी तरह से। धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है तो अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है तो इसे और हम पकाएंगे। लगभग 15-20 मिनट में ये अच्छी तरह से रेडी हो जाता है क्योंकि हम इसे स्लो आंच पे पका रहे हैं ना, और जो कढ़ाई है वो थोड़ी हैवी है तो इसी वजह से थोड़ी देर लगती है, लेकिन बढ़िया सा तेल तैयार होता है। और ये भी लोहे की ये है तो मीन्स इसमें आयरन ज़रूर शामिल होगा। जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे वैसे वैसे आयरन इसमें जो हमने कढ़ाई ली है इसका मिक्स होता जाएगा, इसलिए ये लोहे के इसमें ही करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। काले लंबे घने बाल वाइट हो गए तो वो ब्लैक हो गए। अभी आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से पक गया है और ये डार्क हो गया है। जो ये गुड़ल का फूल और कड़ी पत्ता दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं तो इसी स्टेप पे हम गैस को ऑफ करते हैं और इसे हम टोटल ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको हम छानेंगे। जब ये टोटल ठंडा हो जाएगा उसके बाद तब तक इसी कढ़ाई में हम इसे रहने देंगे। अभी ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसे हम छान देते हैं। इसे हम कॉटन के कपड़े से छान देते हैं। पहले इस तरह से कर देंगे उसके बाद हम छान लेते हैं, पूरा इसमें निकाल देंगे। अभी कॉटन के कपड़े में पूरा ले लिया है तो इस तरह से हम कर देते हैं। इसे दबाल के निकालेंगे। इस तरह से मैं पूरा निकाल देती हूँ। इस तरह से इतना सारा तेल आप देख सकते कितना बढ़िया सा है। तो मैं इसका कलर इसमें आपको वाइट इसमें बताती हूँ कितना बढ़िया सा लग रहा है। मैं अभी इसमें आपको बाउल में बता रही हूँ, आप जब चाहे तब बोतल में आप इसे भर सकते हो। इस तरह से बढ़िया सा आप ऑयल बना सकते हो और आपके हेल्थ आपके जो हेयर है इसके आप केयर कर सकते हैं। इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। और इससे आपके बाल भी बहुत सारे पड़ते हैं, गाढ़ अच्छी तरह से गाढ़े होते हैं, ब्लैक होते हैं और हेल्दी होते हैं। अगर डैमेज अगर होते हो गया तो वो भी बंद हो जाते हैं और 1 महीने में 15 दिन में तुरंत डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। और जो हमने जो फूल और वो लिया था उसका जो बचा हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से बचा है तो इसे हम अभी फेंक देंगे।
अगर आप इस तरह से ऑयल बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हो वो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।